नमस्कार, आप देख रहे हैं HMTV लाइव। आपके साथ मैं हूं AL द्विवेदी। आइए देश दुनिया की खबरों की शुरुआत करते हैं। आप इस स्वास्थ्य केंद्र पर आए हैं मुख्य अतिथि के रूप में, जी कैसा लगा? यहां की व्यवस्था क्या है, इसके बारे में बताएं आप। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुखिया माननीय योगी जी के नेतृत्व में ये शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य, ये तीन महत्वपूर्ण बिंदु हैं। स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इस परिकल्पना को लेकर के जन सुविधाओं तक जो सरकार की लाभकारी योजनाएं हैं वो जन सामान्य तक पहुंचे, सबको चिकित्सा उपलब्ध हो, इस निमित्त इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। संतुष्ट हैं आप यहाँ की व्यवस्था से? नहीं, ठीक व्यवस्था किया डॉक्टर साहब ने, क्योंकि आज रविवार का दिन था और मरीज भी पर्याप्त आए हैं। अभी रजिस्ट्रेशन में देखा गया है कि 70-80 मरीज आए थे। प्रचार प्रसार की और आवश्यकता है, लेकिन टीम ठीक कार्य कर रही है। जी, पहले मुखिया का नाम है, किसी परिवार के सदस्य का नाम एड करना है। ये सुविधा पहले थी। अच्छा, नहीं, जैसे कुछ आधार कार्डों में देखा गया है ये कि एक ही व्यक्ति के बाद दो बार नाम आ गया, ऑटो हट जाएगा, हट जाएगा। विकास खंड में आपने बनाया है इस टाइम पे जो है ना, यहाँ पे 14,000 आज अभी इस टाइम पे हम 9 कार्ड बनाए। कितने लोग इसका लाभ, आंकड़ा है आपके पास? आंकड़ा भी रखते हैं हमारे पास। पेंटिंग में लोग हैं, पेंटिंग वाले वही हम लोग पेंटिंग है उसको मोस्टली कर रहे हैं, पॉइंट पेंटिंग कम्प्लीट। डॉक्टर साहब कितने मरीज देख चुके हैं आप? 5-6 मरीज देख चुके हैं। सारे यंत्र आपके पास कोई सुविधा नहीं? सब कोई मरीज भी आते हैं? हाँ, ज़्यादा बात 150-200 मरीज आते हैं। स्पेशली कोई चाइल्ड नहीं है, ट्रेन डॉक्टर्स हैं, बट स्पेशलिस्ट हैं, ट्रेन हैं जो बच्चों को देख रहे हैं। व्यवस्था की जगह मैं कोशिश करता हूँ। मरीज आए हैं, कुछ आते हैं आगे हमारे? 34 मरीज देख, जी 34 मरीज। आयुर्वेद का इस समय लोग फिर दोबारा मॉडर्न आयुर्वेद, जी जी मॉडर्न दोनों लोग जो है दोबारा लौट रहे हैं। सर लोगों को बांट रहे हो, मिल रहा है सबको दवाई? सब मिल रहा है। दवा मरीज जो आते हैं यहाँ पर, जिस दवा की उनको आवश्यकता है वो आपके यहाँ उपलब्ध है? हाँ जी सर, उपलब्ध उपलब्ध। पैरासीटामोल है? जी जी हाँ। एंटीबायोटिक है? बच्चों का सिरप वगैरह है? बच्चों का भी सिरप, ये आयरन टेबलेट, आयरन सिरप और टेबलेट, सारी चीज़ें हैं। ये आंगनबाड़ी है, ये विशेष बना है, कोई मीठा है खराब है जी, बच्चे हैं, पकौड़ियाँ हैं, जहाँ पर टूल लगता है। ये आप बना कर घर देती हो, कैसे देती हो बताओ? कुछ पुराना की है, कुछ लखा की है, पूरे कोरिया की है, मतलब हर जगह की आई हुई, जो नजदीक पड़ रहा है। बच्चों तक कैसे पहुँचाती है? लोग आए 7 माह से 3 बरस के बच्चों को 3 पैकेट दिया जाता है, गर्भवती धात्री को 3-3 पैकेट दिया जाता है, किशोरी को 3 पैकेट दिया जाता है। सभी को पहुंचा रही हो? हाँ, अलग अलग तरह की डिश बना। हाँ, मतलब उन लोगों को समझाया जाता है कि ऐसे ऐसे नहीं खा पा रही हो तो कुछ भी बना के खाओ, जैसे सुहाल बना लो, पोहा बना लो, या तहरी बना लो, प्रीमिस लड्डू बना लो, या मीठी दलिया बना लो, किसी तरह से मतलब खाना। जी जी, कुछ भी बना सकते हैं बच्चों को स्वास्थ्य। गर्भवती हो या बच्चे हो, कार्ड वाले हो ना, अंदर लेके जाओ, आधार कार्ड लाए हो? हाँ, अंदर जाओ, अंदर जाओ, आप अंदर जाओ।
गोल्डन कार्ड है। अब आप क्या रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं? ये मरीजों का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। कितने रजिस्ट्रेशन कर चुके? 60 मरीज आ गए बेटा। स्वास्थ्य मेले का आयोजन प्रत्येक रविवार को मार्च तक किया गया है और आप सीएससी अधीक्षक हैं, व्यवस्था आपने कैसी की, कहां कहां और आज के बारे में बताइए। ये जैसा हम सभी जानते हैं मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला माह के प्रत्येक रविवार को आयोजित किया जा रहा है। आज हम इस समय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पुरैना पर हैं, जहाँ इस मेले का आयोजन किया गया है और कई सारे स्टॉल्स अलग अलग लगाए गए हैं, जिसमें मुख्यतः हमारी ओपीडी चल रही है, हमारी आरवीएसके की टीम बच्चों की जांच कर रही है, हमारे फार्मासिस्ट दवाइयों का वितरण कर रहे हैं, हमारी आंगनबाड़ियां अलग अलग तरीके की रेसिपी बनाकर खिलाना सिखा रही हैं लोगों को, साथ ही परिवार नियोजन संबंधित जितनी भी जानकारी है वो यहां दी जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण जो माननीय प्रधानमंत्री जी का गोल्डन कार्ड है वो यहाँ पर बुला बुलाकर लोगों को बनाया जा रहा है, जिससे लोगों को बीमे का लाभ मिल सके। तो स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी प्रोग्राम्स हैं उस इस मेले में उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार किया जा रहा है और लोगों को बताया जा रहा है। विशेषज्ञ ब्लॉक में हमने इस मेले को तीन जगह आयोजित किया है, तीन पीएससीज पर, एक तेंदुआ कबीर में, गंगवल में और पुरैना में, जहाँ पर सभी सारे चिकित्सक जो है वो ओपीडी देख रहे हैं और सरकार की सारी योजनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा रहे हैं। समुचित व्यवस्था की गई है।